बारिशों में जब याद आते हो तुम भीग जाता हूँ मैं मुस्कुराते। ऐसी वीडियो बनाने के लिए अलर्ट मोशन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। प्लस वाला आइकन पे टैप कर देना है, अभी यहाँ पे 4:5 वाला रेशो ले लेना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर देना है। अब यहाँ एक फ़ोटो ले लेना है, उसके लिए प्लस वाला आइकन पे टैप कर देना है, मीडिया पे जाना है और एक फ़ोटो ले लेना है। तो मैंने फोटो ले लिया है, ऑडियो ले लेना है, उसके लिए प्लस वाले आइकन पे टैप करके ऑडियो पे टैप करना है और यहाँ से ऑडियो ले लेना है। अब ऑडियो के एंड में आना है, फोटो पे टैप कर देना है, यहाँ से इसको एंड तक लाना है। अब शेप ऐड कर देना है, प्लस वाले आइकन पे टैप करके स्क्वायर ले लेना है, एडिट शेप पे जाना है, एक्स को इंक्रीज कर देना है, वाई को कम कर देना है, बैक चल जाना है, कलर पे आना है, यहाँ पे ब्लैक रख लेना है, बैक चल जाना है, बॉर्डर एंड शेडो पे आना है, सेकंड वाले पॉइंट पे आना है, ऐड बॉर्डर कर देना है, सेंटर पे चल जाना है, बैक चल जाना है, ओके ना। इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देनी है आपके हिसाब से, आप जितनी रखना चाहो, मैं 60 रखूँगा। बैक चल जाना है, वीडियो को एंडिंग में आना है, शेप पे टैप कर देना है और यहाँ से इसको लास्ट तक लाना है। अब मूव एंड ट्रांसफर पे जाके आप जहाँ रखना चाहो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अब इस पर टैप करके यहाँ पे टैप कर देना है और डुप्लीकेट लेयर कर देना है। अब सेकंड वाले लेयर पे टैप कर देना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिट में जाना है और इसकी ओपेसिटी फुल कर देनी है, लाइट एंड पे जाना है और यहाँ इसे स्क्रीन कर देना है। अब यहाँ पे वीडियो ऐड कर देना है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसके लिए प्लस वाला आइकन पे टैप करके मीडिया पे जाना है और वीडियो ले लेनी है। अब इस पर टैप कर देना है, 3 डॉट पे टैप कर देना है और इसे फिल कर देना है। अब ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाना है, लाइटिंग पे जाना है और यहाँ स्क्रीन कर देना है। अब बैक चल जाना है, वीडियो के एंडिंग में आना है और यहाँ से इसे कट कर देना। अब लिरिक्स के हिसाब से मार्क्स लगा देना है। अब यहाँ पे लिरिक्स ऐड कर देनी है, उसके लिए प्लस वाले आइकन पर टैप करके टेक्स्ट पे चल जाना है और यहाँ पे लिरिक्स लिख लेना है। अब यहाँ पे टैप कर देना है और इसको ऐसे कर देना है। रोबोट रेगुलर पे जाके यहाँ पे एक फॉन्ट चूज कर देना है, आप चाहो तो अलग अलग तरह के फॉन्ट यूज कर सकते हो, मैं सिंपल वाला करूँगा। यहाँ पे कलर पे जाना है और इसको वाइट रख लेना है, वाइट पे टैप कर देना है, मूव एंड ट्रांसफर पे जाके इसे सेट कर देना है, बैक चल जाना है, इफेक्ट में आना है, ऐड इफेक्ट कर लेना है, टेक्स्ट पे चल जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग पे टैप कर देना है, स्टैंडर्ड सेटिंग। अब यहाँ पे एक मार्क लगा देना है और इसकी साइज इंक्रीज कर देनी है 50 तक। थोड़ा आगे जाके इसे 0 कर देना है, दोनों के बीच में आ जाना है, यहाँ पे टैप कर देना है और इसको ऐसे कर देना है, बैक चल जाना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे एक मार्क लगा देना है, लास्ट वाले पॉइंट पे एक मार्क लगा देना है और इसकी साइज इंक्रीज कर देनी है 50 तक। इसके बीच में आना है,
फेम ऐसे ही चल जाना। हमारा टेक्स्ट लिरिक के हिसाब से आया नहीं तो उस पर टैप कर देना है, यहाँ पे टैप कर देना है और लिरिक्स पे चल जाना है और यहाँ से इसको यहाँ तक लाना है। अब बैक चल जाना है, यहाँ पे टैप कर देना है, कॉपी लेयर पे टैप कर देना है और यहाँ पे ही पेस्ट लेयर कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट वाले लिरिक्स लिख लेना है। तो मैंने लिख दिए, राइट पे टैप कर देना है और नेक्स्ट वाले लिरिक्स पे चल जाना है। सेम यहाँ पे टैप करके इसे यहाँ तक लाना है। तो ऐसे ही कर करके पूरे लिरिक्स को कर देना है। चाहो तो आप दूसरा कौन सा इफेक्ट यूज़ कर सकते हो लिरिक्स के लिए, मेरे चैनल पे लिरिक्स के वीडियो है, आप देख सकते हो। अब हमें इमोजी ऐड कर देना है, उसके लिए प्लस वाला आइकन टैप करके टेक्स्ट पे चल जाना है और यहाँ इमोजी ले लेना है। यहाँ पे टैप कर देना है, कलर पे जाना है और सेकंड वाले पे टैप कर देना है और इसको नीचे लाना है, राइट पे टैप कर देना है, यहाँ पे राइट पे टैप और इसे सेट कर देना है। इस पर टैप कर देना है, वीडियो के एंडिंग में जाना है और यहाँ से इसको यहाँ तक लाना है। तो वीडियो हमारा पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है। पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।